हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ तेज प्रताप सिंह, वेलकम टू एसएससी गधा। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की जॉब प्रोफाइल। ठीक, इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, अभी आप लोगों का पोस्ट प्रेफरेंस आपसे एसएससी मांगने वाली है और साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है आपका, तो आपको इस पोस्ट को ऑप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस नंबर पर रखना चाहिए, किसको पहले किसको बाद में रखना चाहिए, वो थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आपको पता है, दिस इज द ओनली गेस्टेड पोस्ट थ्रू एसएससी सीजीएल, अकेली पोस्ट है जो गेस्टेड है। ठीक, ग्रुप बी गेस्टेड है, कोई फिजिकल टेस्ट नहीं है इसमें, और इवन जो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तीसरी चीज, जो कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स हैं वो भी ऑप्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इस जॉब में आपको। ठीक है, पिछले साल एक केस था हमारे ऑफिस में जिसमें एक कैंडिडेट कलर ब्लाइंड थे, तो फिर स्टेट ऑफिस ने हेडक्वार्टर से इस पे उनका व्यू मांगा, तो हेडक्वार्टर को व्यू आया था कि ही इज एलिजिबल फॉर दैट। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। अब सैलरी की बात करते हैं, क्योंकि सैलरी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे दिमाग में रहता है। साथ में जैसे इंडिया में क्या है, इंडिया में दो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स मुझसे पूछते हैं, ये पूछते हैं कि सैलरी कितनी मिलेगी और काम कम से कम करना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है, मतलब काम कितना होगा, कहीं बहुत हैक्टिक तो नहीं है। तो आइए सैलरी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जो आपकी बेसिक होती है 47,600 है, 47,600 ये आपका ग्रेड पे। ठीक, पहले जो आपका ग्रेड पे था 6 सीपीसी तक, ठीक, वो हुआ करता था 4,800 ग्रेड पे, 4,800 ग्रेड पे, उसको गवर्नमेंट ने चेंज किया और वो अब 47,600 ग्रेड पे में आता है। ये लेवल 8 में ये पोस्ट आती है। पे मैट्रिक्स जब आप देखेंगे तो लेवल 8, खैर ये टेक्निकल टर्म्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए। ठीक, तो जो आपका बेसिक है अब वो 47,600 होगा। वो मैंने दो टाइप की सिटीज़ का लिया है, ग्रुप एक्स ग्रुप वाई का। ग्रुप एक्स कौन सी होती हैं, जो मेट्रो सिटीज़ हैं वो ग्रुप एक्स हैं आपकी, और जो मेट्रो में कौन सी आती हैं, दिल्ली मुंबई हैदराबाद, ये सारे जो बड़े शहर हैं ये आ जाते हैं मेट्रो में, कुछ बड़े शहर मेट्रो में नहीं भी आते हैं, और जो बाकी वाई में आ जाती हैं, मैक्सिमम जो कैपिटल है आपके वो वाई में आ जाते हैं। और जैसा कि आपको पता है जो आपकी पोस्टिंग होती है वो कैपिटल में होती है, तो इसलिए मैंने एक्स और वाई को लिया है। एक एक्सेप्शन आप देख सकते हैं, जैसे इलाहाबाद जो मतलब यूपी की जो ऑफिस है, कैग ऑफिस, वो इलाहाबाद में है। ठीक, तो आइए चलिए एक बार एक्स और वाई सिटीज़ में आपको जो सैलरी मिलेगी वो देख लेते हैं। तो सैलरी में जो मेन अंतर आपका रहेगा सिर्फ एक एचआरए का होता है। वाई सिटी में आपको एचआरए 16% मिलता है और एक्स सिटी में आपको एचआरए 24% मिलता है। जो आपकी बेसिक है वो सेम है 47,600 दोनों में। ठीक है, एचआरए आपका इतना मिलेगा भाई, देख लें आप। डीए आपको मिलता है, डीए ऑन आपको बेसिक पे आपको डीए मिल जाता है, दैट इज 9% 4,284। ठीक है, इसके बाद टीए ट्रेवलिंग अलाउंस आपका होता है 1,800 रुपये 1,800, और उसमें आपको 9% डीए मिलता है। इस टीए पे वो आता है 162 रुपीज, तो ये बन जाता है 1,962। तो टोटल जो आपकी ग्रॉस बनती है सैलरी वो बनती है एक वाई सिटी में 61,462, 61,462 रुपये, 61,462 रुपीज़। और जो एक्स सिटी में बनती है वो बनती है 65,270 रुपीज़। ठीक है, इसमें से आपका एनपीएस कंट्रीब्यूशन कटता है 5,188, और इतना ही अमाउंट सरकार अपने साइड से मिलाती है, और आपका इतना एनपीएस सरकार जमा करा देती है आपके खाते में, जो आपको बाद में मिलता है रिटायरमेंट टाइम एंड ऑल। ठीक है, जो पैसा आपका जो मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट होता है, ठीक, तो ये आपका पैसा काट लिया जाएगा, तो आपकी नेट जो सैलरी बनती है 56,274 वाई शहर में और एक्स सिटी में 60,082। इसके अलावा इसमें से छोटे मोटे और डिडक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप जिस स्टेट में वहाँ पे सीजीएचएस एप्लीकेबल है, सीजीएचएस की सर्विस आपको अवेल करनी होती है, ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, आपका स्मार्ट कार्ड बनता है, तो उसके पैसे आपसे इसमें से काटे जाएंगे कुछ पैसे। ठीक है, साथ में आप कुछ स्टेट्स में प्रोफेशनल टैक्स काट लेते हैं थोड़ा सा, तो हो सकता है आपका इसमें से 500-600 रुपए का और डिडक्शन हो जाए। ठीक, इसके अलावा हो सकता है आपका ऑफिस हर साल 1,000-1,000 रुपए आपका इनकम टैक्स काट ले, 1,000-1,000 रुपीज, वो डिपेंड करता है, दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग। ये आपका ही पैसा है जो आपके बिहाफ पे सरकार ने काट के इनकम टैक्स को जमा कराती है टीडीएस के फॉर्म में। ठीक, अगर आपका कोई टैक्स नहीं बनता है तो बाद में आप इस पैसे को क्लेम कर लेते हैं, वापस मिल जाता है आपको ये पैसा। मान लीजिए हर महीने इन्होंने 1,000-1,000 रुपये काटा, टोटल 12,000 आपके काट लिए, 12,000 रुपये, तो आप जब भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो ये क्लेम कर सकते हैं अगर आपका टैक्स नहीं बन रहा है।
अगर ज्यादा बनेगा तो फिर आप मतलब वो आप ज्वाइन करेंगे तो पता चल जाएगा आपको वैसे, ठीक है ना। तो जो आपकी नेट सैलरी है वो इसमें से 500 रुपये 600 रुपये कम इतनी हो सकती है इन दोनों में से, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं जरा, ये सैलरी की बात हो गई। तो आपको मतलब 57,000 के अराउंड सैलरी वाई सिटी में और 60,000 के अराउंड सैलरी एक्स सिटी में मिल गई। अब डिफरेंट विंग्स जो आपकी जहां पोस्टिंग होती है उसकी बात कर लेते हैं। इसकी बात करना इसलिए यहां पे जरूरी है क्योंकि अभी इससे रिलेटेड आपके मन में कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो यहां से क्लियर हो जाएंगे, ठीक। तो एक तो सिविल विंग है, ठीक, इसमें आप स्टेट गवर्नमेंट के सारी ऑफिसर्स के ऑडिट होते हैं इसके थ्रू, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के भी ढेर सारे ऑफिसर्स के ऑडिट सिविल विंग करता है, जैसे कि आपके NITs वगैरह हैं, IIMs हैं, IITs हैं, तो ये सारे ऑडिट सिविल ही करता है। स्टेट गवर्नमेंट में ढेर सारे हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है आपका, पुलिस डिपार्टमेंट है, ठीक, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो इनका ऑडिट कौन करता है, इनका ऑडिट सिविल विंग करता है। कॉमर्शियल, कॉमर्शियल में आप PSUs के ऑडिट करते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ठीक, अंडरटेक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उनके ऑडिट करते हैं आप, साथ में उनके भी ऑडिट करते हैं जहां पे भी कंपनीज एक्ट फॉलो होता है, जो भी अपनी बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह जहां पे मेंटेन होता है उनकी ऑडिट कौन करता है, उनकी ऑडिट कॉमर्शियल विंग करता है, ठीक। इसके अलावा रेलवे, रेलवे ऑडिट है, पोस्टल एंड टेलीकम्युनिकेशन ऑडिट है, ठीक है ना, और आपका डिफेंस ऑडिट, ठीक। अब एक चीज यहां पे मैं आपको बहुत ही क्लियर कर दूं कि आपकी पोस्टिंग जब भी आप मतलब आप जब एग्जाम अपना आपने क्लियर कर लिया, आप जब आप अप्लाई कर देंगे, भर देंगे फॉर्म, ये आप अपना प्रेफरेंस वाला, स्टेट प्रेफरेंस वाला, और आपको अगर AA मिलता है तो इन विंग में से किसी भी विंग में आपको दिया जा सकता है पोस्टिंग, जो आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज आप यही समझ लें, ठीक। अब चलते हैं थोड़ा आगे, वहां पे और क्लैरिटी आएगी इस पे। जैसा आपको पता है जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन AA की मांगी है इन्होंने, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपसे मांगते हैं, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन कहते हैं CA CWAs, MBA फाइनेंस हो आपका, या फिर आपके पास इकोनॉमिक्स में डिग्री हो, ठीक है, ये सारी चीजें ढेर सारे मतलब जो फाइनेंस से रिलेटेड है उस पर ये जोर देते हैं, ठीक। तो ये जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है इसका बहुत मैटर नहीं आता, ठीक है। हो सकता है कुछ पेपर्स आपको एग्जाम में निकालने में हेल्प दे दे आपका, अगर फाइनेंस बैकग्राउंड है तो, ठीक है ना, या फिर अगर आपको कॉमर्शियल ऑडिट मिल जाए तो आप एग्जाम को इजीली क्लियर कर पाएंगे, अगर आपको, अगर आप इन बैकग्राउंड से हैं, अदरवाइज बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है आपका, ठीक। और जो आपको विंग्स अलॉट होंगी, जैसे जो लोग फाइनेंस बैकग्राउंड से होते हैं, CA CWA वगैरह, वो सोचते हैं कि उनको उनको कॉमर्शियल ऑडिट मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत ही रैंडमली अलॉट होता है ऐसा, मतलब ये नहीं, ये चीज नहीं देखी जाती कि आपको क्या मिलेगा, पहली चीज। दूसरा, आप जब स्टेट प्रेफरेंस देते हैं ना, तो आपके लिए मतलब जब डिपार्टमेंट आपको एलोकेट करता है स्टेट ये विंग्स, तो उसके लिए विंग्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपने स्टेट दी है और आपकी रैंक क्या है, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो वो ध्यान रखेगा कि आपने मान लीजिए सबसे ऊपर, मान लीजिए आपने हिमाचल प्रदेश ऑप्ट किया और आपकी रैंक बहुत बढ़िया, आपको हिमाचल प्रदेश मिल गया, तो अगर हिमाचल प्रदेश में सिर्फ सिविल डिपार्टमेंट की सिविल विंग में वैकेंसीज हैं तो आपको कॉमर्शियल वहां पे नहीं मिलेगा, चाहे आप MBA फाइनेंस से हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे आप CWA कंपनी सेक्रेटरी जो भी हो, उससे उनको कोई वो नहीं है। अगर आपने मतलब हिमाचल प्रदेश सबसे पहले ऑप्ट किया और वहां पे कॉमर्शियल की कोई वैकेंसी नहीं है तो आपको कॉमर्शियल नहीं मिलेगा, ठीक। अब आते हैं जरा इसी के एक दूसरे पहलू पे, मान लीजिए आपने, आपको कर्नाटका मिल गया, आपने कर्नाटका जिस नंबर पे भी ऑप्ट किया था रैंक के हिसाब से आपको कर्नाटका मिल गया, ठीक है। अब कर्नाटका में मान लीजिए कि सिर्फ कॉमर्शियल की वैकेंसीज हैं, तो आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, आप चाहे सिंपल BA हो, आप BA हो हिस्ट्री से, कोई मैटर नहीं करता, आपको कॉमर्शियल ही मिलेगा क्योंकि वहां पे कॉमर्शियल की वैकेंसी है। तो इट डिपेंड्स ऑन वैकेंसी एंड योर स्टेट प्रेफरेंस, द वे यू हैव फिल्ड द स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म, राइट। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपके हिसाब से एलोकेट होगी। अच्छा, प्रमोशनल एस्पेक्ट देख लेते हैं भाई। देखिए, आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर से ऑडिट ऑफिसर में जो प्रमोशन आता है वो ये जो है मिनिमम है, इसको इसमें आप 3-4 साल ऐड कर सकते हैं, 5 साल ऐड कर सकते हैं, ठीक है, एटलीस्ट 10 इयर्स। और ये कैसे डिसाइड होता है, तो डिसाइड होता है कि सीट खाली है ऑडिट ऑफिसर की या नहीं, ठीक, उस हिसाब से डिसाइड होता है। अब मैं बात करूं अगर आपसे, तो
अभी जैसे जो नए स्टेट्स हैं वहां पे आपको बहुत यंग ऑडिट ऑफिसर्स मिल जाएंगे, जैसे कि छत्तीसगढ़ है ठीक, यहाँ पे मिल जाएंगे, या कोई बहुत जल्दी अगर ऑडिट ऑफिसर बनना चाहता है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर से, तो वो इस समय आंध्र प्रदेश ऑप्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश बिल्कुल नया स्टेट है, नया बना है, तो यहाँ पे आपके प्रमोशन चांसेस बहुत बढ़िया रहेंगे क्योंकि सीट्स काफी मतलब यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो आप ऑप्ट कर सकते हैं आंध्र प्रदेश अगर आप प्रमोशन जल्दी चाहते हैं, 5, 6, 7 साल में चाहते हैं, ठीक है, शायद मिल जाए आपको। हाँ डेफिनेटली आपको बाकी स्टेट से बहुत फास्ट मिलेगा, जो नए स्टेट्स में ये फायदा रहता है, ठीक है। तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर से ऑडिट ऑफिसर बनने में आप मान लें 12 साल, 13 साल, 14 साल लग सकते हैं आपको। लेकिन और पहले क्या होता था कि जो MACP होती थी, मतलब आप वैसे जनरली जो प्रमोशन का टाइम होता था 10 साल बाद आप डबल ए से एओ बनने के लिए एलिजिबल होते थे, लेकिन अगर आप नहीं बन पाए तो आपको MACP लग जाती थी, मतलब आपको सैलरी ऑडिट ऑफिसर की मिलेगी लेकिन आपकी जो कुर्सी होगी वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की होगी। आपको काम असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की कुर्सी का करना होगा, वहीं बैठना होगा, मतलब सारे जो पावर्स होंगे आपके डबल एओ के होंगे, सैलरी आपको ऑडिट ऑफिसर की मिलने लगेगी 10 साल बाद। अभी इस साल से क्या हुआ है, अभी जो एक आया था वो आपने देखा होगा शायद, सर्कुलेट हो रहा था जगह, कि 4 साल बाद ही आपको डबल एओ से एओ की सैलरी मिलने लगेगी। सीट हो ना हो दैट इज टोटली डिफरेंट मैटर, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक, MACP आपकी लग जाएगी, 4 साल बाद आपको एओ की सैलरी मिलेगी, लेकिन आप एओ बनेंगे नहीं। रीजन क्या है, बन भी जाना चाहिए आपको, लेकिन रीजन ये है कि भाई सीट ही खाली नहीं होती। आप पहले देख रहे हैं कि ऑलरेडी 13 साल 14 साल लग रहे हैं अभी, ठीक है, तो ये नहीं है कि आपके बहुत जल्दी मतलब यहाँ पे 4 साल में आप एओ बन जाएंगे। आप डबल एओ से एओ 12-13 साल जो भी टाइम लगना है लगेगा, ठीक है, लेकिन सैलरी जो होगी आपकी वो आपकी बढ़ जाएगी 4 साल बाद, ठीक। ये चीज आप ध्यान रख लें आपकी मतलब। अब चलते हैं, जरा आगे चलते हैं। ऑडिट ऑफिसर आप जैसे ही बनते हैं, चाहे वो 12 साल में बने, चाहे 13 साल में बने, चाहे 10 साल में बने, आप जैसे ही बनते हैं उसके 3 साल बाद आप सीनियर ऑडिट ऑफिसर बन जाते हैं, ये मतलब फिक्स्ड है एकदम, ठीक है। 3 साल बाद आप सीनियर ऑडिट ऑफिसर बन जाएंगे, सो इट माइट टेक लाइक 16-18 ईयर्स, ठीक है। और यहीं से आप अपना रिटायरमेंट प्लान कर लें। बहुत लोग कहते हैं इसके बाद हम DAG बनेंगे, उसके बाद सीनियर DAG बनेंगे, ठीक है ना, उसके बाद AG बनेंगे और PAG, सपना मतलब ऐसा रहता है कुछ लोगों का, कुछ लोगों का सीनियर DAG तक रहता है सपना, कुछ लोगों का AG तक, कुछ लोगों का PAG तक, ठीक है। तो देखिए जो DAG के लेवल पे एंट्री होती है, दो जगह से एंट्रीज होती हैं, एक होती है आपकी UPSC के थ्रू, ठीक है ना, UPSC के थ्रू जो एंट्रीज होती हैं वो होने लगती हैं। तो अब क्या होता है, यहाँ पे आपके जो प्रमोशन चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। जैसे अगर मैं छत्तीसगढ़ स्टेट की बात करूँ, मतलब जो छोटे स्टेट्स हैं आप देखेंगे, हो सकता है कि वहाँ पे, छत्तीसगढ़ की मैं कैटेगरिकली नहीं बात कर रहा, वहाँ पे हो सकता है 2-3 DAG ही हों इंक्लूडिंग सीनियर DAG, समझ रहे हैं, 3-4, 2-3। तो अब बताइए कि पूरे स्टेट में अगर 3-4 जो छोटे स्टेट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, 3-4 ही DAG हैं, तो फिर और स्टेट का और मान लीजिए ऑफिस का स्ट्रेंथ आपका 600 का है, समझ रहे हैं आप, आपके पास 150 AO हैं, तो ये 150 AO कैसे सारे सीनियर DAG या DAG बन जाएंगे, ये चीज़ आपको समझनी होगी, ठीक है। हाँ अगर आप कैटेगरी से हैं, आपने कम एज में ज्वाइन कर लिया ऑफिस, 22-23 साल में ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, तो आप DAG बन जाएंगे आराम से, इवन आप सीनियर DAG भी बन सकते हैं, चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। आप AG भी शायद बन जाए, बहुत मतलब रेयर है, क्योंकि AG जो होता है ही लाइक इन सम स्टेट्स AG इज द चीफ ऑफ स्टेट, ठीक, एंड इन सम स्टेट PAG इज चीफ ऑफ स्टेट। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए जो छोटे स्टेट्स हैं, जैसे कि आपके मतलब जो भी छोटे स्टेट्स हैं वहाँ पे AG चीफ होता है, और जो बड़े स्टेट जैसे UP है आपका, आपका तेलंगाना है, यहाँ पे प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल चीफ होता है स्टेट का। तो अब देखिए हमारी जो एंट्री हो रही है वो SSC के थ्रू हो रही है, तो हमें इतने बड़े सपने नहीं देखने चाहिए यहाँ से। आप लोग ठीक है, कुछ लोगों को लगेगा कि यार वॉट इज सेइंग एंड दिस एंड दैट, हाँ इज डीमोटिवेटिंग, उल्टी सीधी बातें कर रहा है ये आदमी, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि बहुत ही रोजी पिक्चर हमें हमारे दिमाग में होती है, जब आप SSC की तैयारी आपने शुरू की होगी आपके दिमाग में होगा कि फटाफट एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा और मुझे नौकरी मिल जाएगी। लेकिन आप देख लें मैटर कोर्ट में गया, कोर्ट में चलता रहा मैटर, और उसके बाद जब आना था जजमेंट तभी आया, और जजमेंट भी आपने देखा मतलब कह दिया सीधा कि चीटिंग वीटिंग का क्या है, वो आपने देखा ही क्या रहा,
उसी को कह दिया कि रिजल्ट निकाल दो फटाफट, ठीक है ना। तो हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है, इसलिए हमें माइंड तैयार करके आना चाहिए। ठीक, खैर ये रहा आपका मतलब प्रमोशन, आप सीनियर एव तक मान लें, इससे आगे प्रमोशन अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल समझे, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक, मिल जाए तो बहुत, मतलब आप लाखों में एक। आगे चलते हैं जरा, एसएएस एग्जाम, इसको मानते हैं कि ये टफेस्ट डिपार्टमेंटल एग्जाम है, ठीक है। और एक डिटेल्ड वीडियो है एसएएस पे जो चैनल पे अवेलेबल है, मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, जो पेपर्स वगैरह वो, वैसे वो वीडियो जो है वो सिविल से ही रिलेटेड है, वो कमर्शियल वगैरह के नहीं, क्योंकि जिस पर्सन ने किया है वीडियो ही क्लियर्ड एसएएस फ्रॉम सिविल, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप एओ का एग्जाम क्लियर नहीं करते हैं तो क्या होता है, तो आपको डिसमिस करने का अधिकार है, प्रॉपर लिखा होता है आपके फॉर्म पे, लेकिन जो कस्टमरी है डिसमिस नहीं किया जाता है आपको, आपको डिमोट करके जो एजी होगा, जो स्टेट चीफ होते हैं, वो अपनी मतलब डिमोट करके अपनी गुड गेस्चर कह लें, मतलब वो कह लें, आप पे दया करके आपको ऑडिटर बना देते हैं, ठीक है, जो पीछे हुआ है ऐसा। ठीक, अब आगे चलते हैं जरा, वर्क प्रोफाइल क्या है आपकी, तो ऑडिट करना होता है आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, सरकारी डिपार्टमेंट्स का, जिनमें स्टेट के डिपार्टमेंट एज वेल एज सेंटर के डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। ये मैंने किस हिसाब से बनाया, ये मैंने बनाया है आपका बेसिकली सिविल के ऑडिट के हिसाब से, ठीक, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपको सिविल में मिलेंगी, कॉमर्शियल में मिलेंगी, ठीक है, उस हिसाब से। तो आपको स्कूल्स के भी ऑडिट करने पड़ते हैं, जैसे वो आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, आपके हॉस्पिटल, छोटे हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल, सबके ऑडिट आपको मिल सकते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मतलब पीडब्ल्यूडी वगैरह हैं, तो इनकी ऑडिट्स आप करते हैं, थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है ये काम, ठीक है। अब देखिए, आप नाम से ही आपने देख लिया डबल ए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, तो आपका काम क्या हुआ, ऑडिट का, तो ये भाई फील्ड जॉब है। ऑडिट आप कहाँ करोगे, आप अपने मतलब ऑफिस में बैठ के तो करोगे नहीं, आपको जाना ही पड़ेगा जो ऑफिस है वहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफिस में, जिसका ऑडिट करना है आपको, ठीक है। तो जब आप जाओगे नहीं तो ऑडिट होगा नहीं, तो इसलिए भैया ये फील्ड जॉब है, और आप मान के चलो कि अराउंड 80% मैन पावर को ये फील्ड पे रखने की प्रायोरिटी होती है, हर एक जो ऑफिस होता है, एजी ऑफिस बोलते हैं जनरली हम स्टेट में, वैसे सीएजी का जो अंडर ये ऑफिस है इसको हम क्या बोलते हैं, एजी ऑफिस स्टेट में, ठीक है। तो 80% मैन पावर को फील्ड में रखने की इनकी प्रायोरिटी रहती है। आपको फील्ड पे एक साल लगातार भी रखा जा सकता है, 2 साल भी रखा जा सकता है, डिपेंड करता है आपकी जो ऊपर लोग बैठे हैं उन पे, ठीक है। तो इस पे कोई आपका से नहीं है कि नहीं जी मैं फील्ड पे नहीं जाऊंगा, आपको भेजा जा सकता है, आपके हाथ में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आप थ्रू आउट द ईयर भी हो सकते हो, होता क्या है जनरली आपका कैलेंडर होता है वो आपको मिल जाता है, आप ऑडिट पे जाते हो, एक ऑडिट कंप्लीट किया आप, मान लो कि एक हफ्ते का ऑडिट है, उसकी रिपोर्ट आपने ऑफिस को सबमिट की, आपका ऑलरेडी कैलेंडर अरेंज्ड है मान लीजिए 3 महीने का, फिर आप तुरंत दूसरी ऑडिट पे गए, फिर तीसरी, ऐसे आपका चलता रहेगा, आप सबमिट करोगे अपना जो भी आप वहाँ से इंस्पेक्शंस करके लाओगे, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स वगैरह, ठीक है। इस ऑडिट करने का आपको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है, ठीक, काफ़ी बढ़िया, मतलब अराउंड ये मैक्सिमम इसकी जो लिमिट होती है 1750 होती है, ठीक है। ये लिमिट क्यों इस यहाँ पे आ गई, लिमिट इसलिए आ गई कि आप जब ऑडिट पे होते हो तो आपको मतलब उन्होंने वो कर दिया, कैप लगा दिया है कि इससे ज़्यादा आप नहीं खर्चा कर सकते आप अपने फूड पे प्लस ट्रेवल पे, ठीक है। आप कर रहे हो तो उससे ज़्यादा हम रिम्बर्स नहीं करेंगे, तो मैक्सिमम जो रिम्बर्समेंट होगा 1750 का होगा, अगर आपने 1400 में ही होटल और अपना खाना वाना कर लिया, ठीक है, रहने का, खाने का और ट्रेवलिंग का, तो वो 1400 ही फिर आपको मिलेंगे, 1400 ही मिलेंगे। और जो ट्रेनिंग आपकी होती है, थोड़ा सा ट्रेनिंग के बारे में बता दूँ, ये रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में होती है, 3 मंथ्स की ट्रेनिंग आपकी रहती है, और ये जरूरी नहीं कि जैसे आप ज्वाइन करें अगले दिन ही भेज दिया जाए, हो सकता है आपको 2-3 महीने 4 महीने बाद भी भेजा जाए, ठीक। और आप बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग पे डिपेंड नहीं हो सकते कि एसएएस एग्जाम उससे क्लियर होगा, यू हैव टू स्टडी ऑन योर ओन एवरीथिंग। अब आगे चलते हैं जरा, टूर भैया लंबे लंबे रहते हैं आपके, और डिपेंड करता है आप कैसी जगह पे हो, छोटा स्टेट है आपका तो ठीक है, बड़े स्टेट में हो तो फिर आप टूर काफ़ी लंबे लंबे रहते हैं, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, आपको बाहर का खाना खाना पड़ेगा, ठीक है, होटल का खाना खाना पड़ेगा, आप उसके लिए रेडी रहें बिल्कुल। अगर आप ये सब नहीं झेल सकते हैं तो दूसरी पोस्ट भर दें, दैट इज़ बेटर, ठीक। आप लोगों को एक पावर और प्रेस्टीज का रहता है बहुत ज़्यादा, तो पावर देखिए, आप ऑडिट पे जाते हैं तो डेफिनेटली आपको जो डिपार्टमेंट है वो आपको एंटरटेन करता है बढ़िया से, ही गिव्स यू रिस्पेक्ट, ठीक। लेकिन आप ये समझ के जाएं कि ही इज़ ऑल्सो अ, दैट इज़ ऑल्सो अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, राइट। तो ये नहीं कि उसको रूल्स रेगुलेशन नहीं पता और वो आपको एकदम मतलब
जैसे चरणों में आपके पड़ जाएगा कि आपने देखा है जो रॉ पावर हम कहते हैं ना, मतलब जैसे पुलिस डिपार्टमेंट फंक्शन करती है, क्योंकि अगर नागरिकों के पास जानकारी नहीं है तो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पे थोड़ा सा वो कर देते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये दूसरा डिपार्टमेंट भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू फाइंड ऑब्जेक्शंस, देन ओनली यू कैन कमांड वेरी हाई रिस्पेक्ट, अदरवाइज बस एक कस्टमरी रिस्पेक्ट रहेगा आपका, वो भी डिपेंड करता है कि वो देता है तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन नॉट डिमांड रिस्पेक्ट, राइट। तो ये आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की ऑडिट करते हो इसमें, ठीक। तो इसके लिए तैयार रहें आप, हर तरह की सिचुएशंस के लिए हर तरह के लोग मिलेंगे, और वो तो हर जॉब में है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है भाई, आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन नहीं देंगे ये लोग, इसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे अगर आप ये 47600 ग्रेड पे से नीचे की जॉब ग्रेड पे जाते हैं, मतलब डबल ए की जो ग्रेड पे है उससे नीचे की ग्रेड पे की जॉब के लिए आपने अप्लाई किया, आपका सिलेक्शन हो गया, अब आप कह रहे हैं साहब हमें टेक्निकल रेजिग्नेशन दे दो, तो वो आपको नहीं देंगे। तो ये टेक्निकल रेजिग्नेशन क्या होता है, टेक्निकल रेजिग्नेशन में जनरली ये होता है कि जो आपकी सर्विस बुक होती है, मतलब जब आप कोई भी सरकारी जॉब ज्वाइन करते हो तो आपकी एक सर्विस बुक बन जाती है, उसमें आपकी सारी लीव वीव सब कुछ रिकॉर्ड रहता है, आपने कब जॉब ज्वाइन की, ठीक है, और ये सर्विस आपकी काउंट हो जाती है दूसरे जॉब में भी, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ टेक्निकल रेजिग्नेशन नहीं मिलेगा अगर बाद में आप 4600 मतलब आप इससे लो ग्रेड पे की जॉब पे जाते हो, ठीक है, तो आपकी एक नई सर्विस बुक वहाँ बनेगी, मतलब इसके बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये एक चीज़ है, ट्रेवलिंग अलाउंस प्लस डेली अलाउंस मैंने आपको बताई दिया 1750 रुपये है, लंबे टूर हो सकते हैं, अगर आपकी नई नई शादी हुई है तो काफ़ी दिक्कत होगी, अगर छोटे बच्चे हैं आपके तो बच्चे एडजस्ट करना उनके लिए काफ़ी दिक्कत हो जाती है, लेकिन हाँ ये जस्ट हैव रिटन इट फॉर फन, लेट डोंट टेक इट सीरियसली। अगर आपकी हैप्पी मतलब मैरिड लाइफ जो है अनहैप्पी है, नहीं चल रही सही से, तो ये जॉब आपके लिए परफेक्ट है, बहुत आप इंजॉय करेंगे, हाँ ठीक है। और एक चीज़ देखिए, मतलब मैंने जो बताया आपको कि थ्रू आउट काफ़ी लंबा लंबा ऑडिट रहता है, आप बाहर का खाना खाते हैं लगातार, तो ये सारी दिक्कतें आपको झेलनी पड़ेंगी, आपके पेट खराब होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं, और कम एज में आप मतलब बीमारियों की तरफ बढ़ जाएंगे अगर आप संभल के नहीं अपना शेड्यूल प्लान करते हैं, संभल के नहीं खाना खाते हैं, तो ठीक है, क्योंकि आपको होटल का ही खाना आफ्टरऑल खाना पड़ता है, सो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। तो मैंने आपको लगभग लगभग जितनी भी जानकारी थी मैंने बता दी है, उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं, ठीक। प्रमोशन वाइज आपको मैंने बता दिया कि प्रमोशन वाइज एसएससी की बहुत बढ़िया जॉब नहीं है ये, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इससे बहुत बढ़िया है अगर आप देखेंगे तो, ठीक। प्रमोशन वाइज इट इज़ नॉट वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स, मेनी जॉब्स आर मच मोर बेटर देन इट, सो प्लान इट अकॉर्डिंगली। थैंक यू एवरीवन, आई एम फिनिशिंग इट।